हाँ, तो जोम्बी के ऊपर एक और मूवी आ रही है, बट जैक स्नाइडर के अंदाज में। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आर्मी ऑफ डेड मूवी ट्रेलर के बारे में, जो 21 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इसका हिंदी में भी वर्जन, मतलब हिंदी में भी ट्रेलर इसका रिलीज किया गया। आज तक हमने जितनी भी जोम्बीज की मूवीज या सीरीज देखी थी, उनके अंदर जो भी जोम्बीज दिखाए जाते थे वो बड़े ही सुस्त हुआ करते थे, मतलब दिमाग से पैदल और बहुत स्लो चलते थे। एक तरीके से जिंदा लाश थी, उनके अंदर का दिमाग मर चुका था उनको, सिर्फ और सिर्फ भूख लगती थी और वो इंसानों को खाना चाहते थे। लेकिन इस मूवी के अंदर ये जो ज़ॉम्बीज दिखाए गए वो बिल्कुल ही अलग हैं। उनके अंदर फुर्ती है, वो दिमाग से काम कर रहे हैं, मतलब समझदार दिखाए गए हैं इसके अंदर। अब इससे क्या हो रहा है कि खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है, वो सोच समझ के सामने आ रहे हैं, एक टीम में सामने आ रहे हैं। ये किस तरीके के ज़ॉम्बीज हैं या फिर ये जो चीजें वो कर पा रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं, यही जो चीज है इस मूवीज को बाकी की मूवीज या सीरीज, जो ज़ॉम्बी वाली मूवी या सीरीज हुआ करती थी, उनसे अलग बनाती है। और फिर आते हैं इस मूवी में दिखाए गए एक्शन पे। इसमें जो डेव बटिस्टा हैं, मतलब जो WWE के रेसलर थे, अब आज की डेट में वो मूवीज में आ रहे हैं, जिससे जिस तरीके से उन्होंने इसमें एक्शन किया, वैसे वो बहुत सारी मूवीज में एक्शन कर चुके हैं, मतलब इसमें भी बहुत अच्छा एक्शन किया है उन्होंने। एक चीज मुझे आर्मी ऑफ डेड मूवी के ट्रेलर में जो चीज पसंद आई वो ये कि जो आज तक हमने जितनी मूवीज और सीरीज देखी थी ज़ॉम्बीज की, उसके अंदर आप अगर कोई कलर का थीम देखो तो उसमें डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा या फिर ब्लूइश कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसी थीम आपको नजर आएगी ज्यादातर ब्लू कलर या फिर डार्क कलर। लेकिन इस मूवी में एकदम फैशनेबल जोम्बीज आपको नजर आएंगे और कलरफुल जोम्बीज हैं, जो काफी अच्छा लग रहा था। एक डिफरेंट टाइप के जोम्बीज जिसके अंदर समझ है, वो दौड़ पा रहे हैं, अब क्या होगा, अब लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। अब देखो जिसके अंदर इस मूवी के ट्रेलर में जितनी कहानी दिखाई गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेव बटिस्टा और कुछ बाकी जो लोग हैं, अब मुझे नहीं पता उनका नाम क्या, जब वो मूवी आएगी तब की वहां पर बात करेंगे। तो ये एक टीम बनाते हैं और इनको मिलियंस ऑफ डॉलर के बारे में पता होता है, एक तिजोरी में रखा हुआ होता है और उनको उस तिजोरी से वो रुपए निकालने या फिर वो पैसे निकालने, मतलब समझ रहे हो ना, बात मनी की हो रही है, बस तुम भावनाओं को समझ जाओ। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि यार दुनिया तबाही के कगार पर है, वहां पर इतने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और इनको पैसों की पड़ी है, मतलब इससे करोगे क्या यार, तुम अपनी जान नहीं बचा सकते, ज़ॉम्बीज को पैसे नहीं दे सकते क्या? वो तो देखो यार जब मूवी आएगी वहां पर देखेंगे कि इनको पैसे की जरूरत क्या थी, या फिर पैसे आज की डेट में, मतलब उसकी डेट में जहां पर ये मूवी दिखाई जा रही है कि वहां हर जगह ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी है, लाखों ज़ॉम्बीज हैं, जो पैसे की जो तिजोरी है और जो ये टीम है इनके बीच में लाखों ज़ॉम्बीज खड़े हैं, अब इनको मारते हुए वो पैसे निकालते हुए लेके आते हैं या फिर जो भी होती है, ये सब चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। और ये मूवी ही बताएगी जब ये आएगी कि इनको पैसे की जरूरत थी क्यों, क्या अभी भी इन मूवीज में अभी भी चल रहे हैं पैसे। ओवरऑल ये ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो ज़ॉम्बीज दिखाए गए या फिर जो इसमें कलरफुल ज़ॉम्बी दिखाए गए, फैशनेबल ज़ॉम्बी दिखाए गए, चश्मा लगा रखा है यार ज़ॉम्बीज ने, मतलब उनको भी अपग्रेड किया गया है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना और अपनी राय वहाँ पर लिखना कि आप क्या सोचते हैं, कैसे ये डिफरेंट होने वाली है। और अगर जिन्होंने नहीं देखा ये ट्रेलर, दोनों ही वर्जन के अंदर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको मिल जाएगा, आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करें आप जाकर देखें, काफ़ी अच्छा ट्रेलर है और बेसब्री से मुझे इस मूवी का इंतजार है। बिकॉज ऑफ इसमें जो थीम अलग रख दी है इन्होंने ज़ॉम्बीज से, समझदार फुर्तीले फैशनेबल इश्क लड़ा रहे हैं इस मूवी में, तो ये वाली जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।